नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। समस्तीपुर जिले में भू माफियाओं की मनमानी चल रही है। जी हां, मिट्टी का अवैध खनन चल रहा है और जिस पर ग्रामीणों ने आक्रोश दिखाया तो उन्हें मारने की धमकी दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। मैं इस वक्त समस्तीपुर जिले के दिनमनपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड नंबर 7 में हूँ और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे अवैध खनन किया जा रहा है, मिट्टी का अवैध खनन, और ये लापरवाही साफ साफ खनन विभाग को देखने को मिल रहा है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे खनन हुआ है वहाँ का स्थिति कैसा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खनन किया गया है और आप देख सकते हैं 60 फीट से भी लगभग ज़्यादा का खनन हुआ है। देख सकते हैं बगल में 2 फीट कितना, हम कितना नीचे हैं, मिट्टी जहाँ से काटा गया है उसके अंदर में हूँ, जैसे लगता है मानो सुरंग है। आप देखिए कि यहाँ से अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, आप देख रहे हैं कि ऊपर में उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे नीचे मिट्टी पूरी तरह से कटा हुआ है। और जब भी वर्षा होगा, अब अगर वर्षा होता है पानी अगर इसमें जमता है और जैसे मिट्टी गीला होगा तो ऊपर से स्वास्थ्य केंद्र जो है उसको गिरने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे मिट्टी जो काटा गया है, किस तरीके से काटा गया है। और ये जो ज़मीन है ये निजी व्यक्ति का है, लेकिन सरकार का जो प्रावधान है उसके खिलाफ हो रहा है पूरी तरह से। मिट्टी जो अवैध खनन जो कहा जाता है वो यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, मैं वहाँ भी लेके चलूँगा जहाँ पे स्कूल है, स्कूल भी सटा हुआ है, वहाँ भी मिट्टी खनन किया गया है और आने वाले समय में स्कूल को भी गिरने की संभावना बनी रहती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मीटर से काटा गया है और यहाँ मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं मेरे शरीर पे गिर ना जाए। आप देख सकते हैं कि मिट्टी किस तरीके से यहाँ पे खनन किया गया है, आप देख सकते हैं ऊपर कितना है, ऊपर स्वास्थ्य केंद्र है, ऊपर स्वास्थ्य केंद्र है। और कभी भी कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है, इस चीज़ का यहाँ पे ग्रामीणों को भी भय बना हुआ है और अगर कोई सरकारी कर्मचारी आते भी हैं तो उनको भी डर लगेगा किस तरीके से यहाँ पे मिट्टी को काटा गया है। देखिए और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे खनन किया गया है। ठाकुरवाड़ी का जमीन दिया हुआ है, ठाकुरवाड़ी का जमीन, मंदिर के छे, मंदिर मंदिर देखिए कि मंदिर का जमीन को बर्बाद करने के लिए रुका हुआ है, मंदिर का जमीन नहीं दूरी तरह वो साइड के लोग वो लोग को है। टोटल चारों का संस्था है, मंदिर है, सब कुछ मंदिर का जमीन, मंदिर है या हेलीपैड जहाँ पे मिट्टी खनन हुआ है वहीं का ये हेलीपैड सेंटर है, आप देख सकते हैं। और ठीक इसी के बगल में मिट्टी का जो है खनन हुआ है तो आगे आने वाले समय में इससे भी खतरा मंडरा रहा है कि मिट्टी जब कटता जाएगा तो इस सबका क्या हाल होगा। आप देख रहे हैं ये ग्रामीण बस्ती है और कुछ ग्रामीण लोग जो जिनका यहाँ पे घर है उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश मंडल। अवधेश मंडल, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ जब मिट्टी कट रहा था तो आप मना नहीं किए थे? हम मना किए थे। अच्छा, लेकिन हम मना किए लेकिन हमारे बात पर नहीं चला, हमारा हम अगुआ है, हमारे घर का मैंने जन जाता है लोग जाते हैं कह दे कहा अगुआएगा और पंडित हमको गाली भी दिया। अच्छा, तो ये मिट्टी कौन काटे हैं? पंडित। कौन पंडित, नाम जानते हैं क्या? मुनिम जी कहे थे मणिकांत। मणिकांत कहाँ, उनका घर कहाँ? रामनगर। रामनगर घर हुआ। अच्छा अच्छा, तो आप लोग जब मना किए फिर भी वो नहीं मान रहे? नहीं मान रहे। क्या कह रहे हैं वो? कहते हैं जो हम जो चल लिए हैं उसको जाकर के बोल। अच्छा अच्छा, हाँ जिसको हम खरीदे हैं मछली उसको जाकर के बोल। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो अवधेश मंडल है। अवधेश मंडल जी, ठीक है। तो ये अवधेश मंडल जी है जो ये इनका घर है यहाँ पे जहाँ पे अवैध खनन हुआ है, ये काफ़ी मना किए हैं फिर भी ये मानने का प्रयास नहीं किया, अवैध खनन जारी है। आइए कुछ लोग से और बात करते हैं, ये हम कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या सर जी, क्या कहना चाहेंगे जो अवैध खनन हो रहा है इसके बारे में? अवैध खनन तो यहाँ इस तरह हुआ है, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है और 50 फीट नीचे देख रहे हैं कि मिट्टी काट कर, अब तो हमको लगता है कि पानी होगा और मिट्टी को स्वास्थ्य केंद्र बहुत भ्रष्ट हो जाएगा। हम सरकार से आग्रह करेंगे, खनन डिपार्टमेंट से आग्रह करेंगे कि उसको अभी कार्रवाई करें। और मैंने प्रशासन को आज खबर किया था, हम यहाँ के पूर्व मुखिया राम कुमार झा हैं, तो उनका खबर किए वो आए थे और आने के बाद वो चंद गाँव में जो यहाँ आए थे उनको भी धमकी देकर गए हैं कि हम देख लेंगे प्रशासन में, हम समस्तीपुर जिला वैशाली जिला बेगूसराय जिला में हमारा माफिया का काम चलता है, मैंने हम उनको गुंडागर्दी का पूरा दावी है। किनको गुंडागर्दी का दावी है? वो पंडित है, मुन्नी मणिकांत झा का भाई है वो। अच्छा, बाबू साहब के नाम थे? बाबू साहब। उसका जो है सो पिताजी का नाम बाबू साहब है।
मुन्नी मुन्नी सब उसको मुन्नी चैन जा कहता है। मतलब आप लोग मना किए थे उनको माफी काटने? आज हम जो है से पहले भी मना किया है, आकर के मकान जो बना रहा है क्या नाम है उसका, क्यों सर अध्यक्ष मंडल हमको जाकर के कहा कि मालिक मेरा मकान गिर जाएगा, हमको जानकारी नहीं था। जब हम आए तो देखे कि तो स्वास्थ्य केंद्र भी गिर जाएगा, तब जाकर के हम प्रशासन को खबर किए कि एक तो लॉकडाउन का व्यवस्था नहीं है, 10 गाड़ी भर रात चलता है उसका, और उसके बाद प्रशासन को खबर किए सवेर में कि लॉकडाउन आपका चल रहा है यार, 10 गाड़ी चलता है भर रात, वहाँ दस मिलता है लोग, ग्रामीण लोग भरा जगह हमको आकर कहने आए कि मुखिया जी हम लोग तो मर जाएंगे, अब इतना ना मिट्टी का खनन कर रहा है, पूरा गड्ढा उड़ रहा है, और तब जा करके हमको पता चला कि स्वास्थ्य केंद्र के नज़दीक बहुत मिट्टी काट लिया है। जब हम प्रशासन को खबर किए तो प्रशासन यहाँ आया, प्रशासन कहा कि आप लिख करके एक आवेदन हमको दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, और तब जो है सो उसके बाद जो है सो वो आ करके लोगों को फिर धमकी दे गया है कि हमारा 3 जिला में गुंडागर्दी चलता है, हमें इस तरह का दबंग का चलता है, कोई हमको कुछ नहीं बिगाड़ लगा, हम मिट्टी वहाँ काट लेंगे। फिर क्या नाम बताया जो मिट्टी काट रहा है, उनका नाम क्या है? मुन्नी झा उर्फ उसका पिताजी का नाम बाबू साहब झा। अच्छा, ये मिट्टी जो काटते हैं, ये मिट्टी काट करके करते क्या है? मिट्टी बेचते हैं, मिट्टी उनका मिट्टी बेचते हैं। हाँ, किनके द्वारा बेचते हैं? वो ग्रामीण के द्वारा जो है ना सो बेचते हैं, और जहाँ जहाँ काम होता है अन्य अन्य पंचायत में पूरे ब्लॉक में इनका मिट्टी यहाँ से सप्लाई होता है, मिट्टी सप्लाई होता है, मिट्टी सप्लाई यहाँ से होता है, बस इनका यही काम जमीन लेना और मिट्टी काटना, और फिर बगल वाले को दस दे करके जब गिरने लगता है तो बगल वाला बेचता, देखते हैं 2 एकड़ का मिट्टी कटा है, सब पर इन्हीं का मिट्टी कटा है 2 साल से, और प्रेशर बना बना करके आप स्वास्थ्य केंद्र को गिनाने के लिए तैयार हैं। उधर देखते हैं कि हाई स्कूल है, हाई स्कूल में आप देखे हैं कि 60 फीट मिट्टी काट लिया है वहाँ, और जब मना करते हैं तो ये आकर के घर पर धमकी देते हैं लोगों को कि हम देख लेंगे आप, यही इनका रवैया है, पूरे गाँव इनसे त्रस्त है कि कब क्या हो जाएगा। खनन विभाग को शिकायत किया है? खनन विभाग को हमें भी शिकायत नहीं की है, लेकिन आप शिकायत करेंगे उसको। अच्छा, तो ये ग्रामीण है, काफ़ी ग्रामीण में रोष साफ साफ प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार झा। दीपक कुमार झा जी, जब ये मिट्टी जो काट रहा था जो भी व्यक्ति, उनको आप लोग मना नहीं किया क्या? मना किए हुए थे, लेकिन वो मान नहीं रहे, बोलते हैं मेरे जैसे भी चल रहा है, ऐसे मैं लॉकडाउन में मैं 10 ट्रैक्टर का मालिक हूँ, मेरे पास इतना का कारोबार है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ऊपर कंप्लेंट करूँगा, मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, ऐसे करके वो मिट्टी काट रहे, पूरे गांव का सड़क बर्बाद हो गया है, ये मिट्टी काट के अन्य शहर में भी बेचते हैं, दूसरे गांव में ले जाते हैं। खनन डिपार्टमेंट से हमको लाइसेंस मिला हुआ है, खनन डिपार्टमेंट से लाइसेंस का भी धमकी देते हैं, यहाँ पे तो कोई ग्रामीण जाने के लिए सोचते हैं तो बोलते हैं मैं इतना पैसा खर्चा करता हूँ, ये करता हूँ, मेरे पास ये है प्रशासन हमारे अंदर। तो मतलब जो मिट्टी काट रहे हैं वो आप लोग कह रहे हैं कि हमको खनन विभाग से लाइसेंस मिला हुआ है? हाँ, वो बोल रहे हैं जो खनन विभाग मेरे को लाइसेंस दिया हुआ है, मैं जमीन खरीदा हूँ, मैं मिट्टी काटने के लिए खरीदा हूँ, यहाँ पे खेती करने थोड़ी आऊँगा मैं, उनका घर यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे है, यहाँ से मेरा घर 500 मीटर दूरी पे है, तो उनको क्या लेना है? जो घर गिरे या किसी का भी, इधर आप हॉस्पिटल ऊपर देख रहे हैं, उधर बाढ़ आश्रय स्थल है जो कि करोड़ों रुपये की संपत्ति है, उससे 50 मीटर दूरी तक पहुंच गए मिट्टी काटते का। इधर स्कूल है 5 मीटर जो कि 5 मीटर 6 मीटर अब वो जमीन जो है नहीं दिए हैं, तो उनका बचा हुआ इसलिए स्कूल के पीछे तक पहुँच चुके हैं, कल से क्या होगा? चारों तरफ सरकारी संस्थानों को गिराने का अथी कर रहे हैं, उसके बाद वो जमीन खरीदना चाहते हैं, उसका उससे मिट्टी बेचेंगे। तो ये मिट्टी जो काट रहे हैं वो ये जमीन उनका अपना है क्या? ये जमीन वो थोड़ा अपना है, उनके बाद वो आजू बाजू का जो है तो वो सब खरीद रहे हैं। अच्छा, कम भाव में जमीन का मिट्टी गिर रहा है तो क्या करेगा किसान? कम भाव में बेच रहे हैं, उसके लिए वो मिट्टी को अपना मजबूर करके दे रहे हैं, मिट्टी बेच रहे हैं गाँव में, अन्य शहर में भी दे रहे हैं मिट्टी। तो ये आपने देखा कि ग्रामीणों का किस तरीके से रोष है, जो जमीन मिट्टी माफिया कहा जाए, मिट्टी माफिया के द्वारा यहाँ पे मिट्टी का अवैध खनन किया जाता है, और ये मिट्टी को यहाँ से काट करके दूसरे जगह सप्लाई किया जा रहा है, कई जगह मिट्टी का सप्लाई जो ग्रामीणों का यहाँ पे आरोप लगा है, कुछ ग्रामीण और है उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? राम शंकर झा जी, आप ये मिट्टी खनन हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे ये खनन विभाग हो या प्रशासनिक महकमा हो या जो कहें कि बिहार सरकार हो, खनन विभाग का क्या नियम है, कितना मिट्टी काटता है, और आकर वो कहते हैं कि हमारे पास लाइसेंस है, कितने का लाइसेंस खनन विभाग दिए हुए कि जाकर के कहीं पताल तोड़ करके समग्र बस्ती का सर्वनाश कर दिया जाए? ये असरा किए हैं खनन विभाग या बिहार सरकार किया है? ये हम तो खनन विभाग से ये जानना चाहते हैं और बिहार सरकार से भी जानना चाहते हैं कि कितना मिट्टी काटने का आप लाइसेंस उनको दिया है, क्या फिर
बहुत से बहुत आप जो मिट्टी काट रहे हो, कह रहे हैं कि लाइसेंस हमें मिला हुआ है। हमें लाइसेंस मिला हुआ है, हमारा धंधा है, हम अपना काटेंगे। और जमीन एक जगह अगर हम पाँच कट्ठा बेच दिया और बगल में जो हमारे और दूसरे लोग हैं उनकी जो जमीन है, अब इतना ना गड्ढा कर देता है कि वो बेचारा त्रस्त होकर के जमीन बेच देता है कि हमारा जमीन तो इसमें गिरिए जाएगा, इसलिए मजबूर होकर के साइड का लोग भी दे देता लगता है कोयला खनन हमारे। और यही स्थिति है जो आप देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा, चारों तरफ सरकारी संस्था, पूरा स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें बिल्कुल सका हुआ है। अब देखिए ना, वो किस मिनट में जब बरसात आएगी तो उसके कब वो गिर जाएगा। उसके बाद उत्तर में आप स्कूल देख रहे हैं, हाई स्कूल दक्षिण में मेडिकल सेंटर, उसमें भी आप देख रहे हैं कि सटा हुआ है, स्कूल का भवन कब गिर जाएगा। और इधर हेलीपैड बना हुआ है करोड़ों रुपये का, उसमें भी सटा हुआ है। ये सारा जिम्मेवारी हम खनन विभाग को ही नहीं, बिहार सरकार को हम देना चाहते हैं। और यहाँ का जो प्रशासन है वो बिल्कुल मूक दर्शक है, बिका हुआ है। इसलिए हम यहाँ के प्रशासन को भी पूछना चाहते हैं कि क्या आप सिर्फ बैठ करके और दो नंबर का ही काम करते हैं, या वास्तविक आप ग्राम और पंचायत या लोगों को बताने का काम करते हैं। हमें तो नहीं कहना। चलिए, तो आपने देखा कि ग्रामीण कितने रोष में हैं, और आप ये देख रहे हैं कि ये जो जगह है ये घटना का दावत दे रहा है, कभी भी यहाँ पे घटना हो सकता है। गांव इस तरीके से यहाँ पे खनन किया गया है, ऊपर में स्वास्थ्य केंद्र है, कभी भी गिर सकता है। तो ग्रामीण यहाँ पे काफ़ी आक्रोशित है, और जो मिट्टी काट रहे हैं निश्चित रूप से उसे मिट्टी माफिया कहा जाएगा, भू माफिया कहा जाएगा। मिट्टी काट रहे हैं और ग्रामीणों ने जब उनको मना किए हैं तो बार बार उन लोगों को धमकी दिया जा रहा है, और वो मिट्टी माफिया ये भी कह रहे हैं कि मुझे लाइसेंस मिला है अवैध खनन विभाग से। लेकिन खनन विभाग क्या इस जिस तरीके से मिट्टी काटा है, काटा गया है, इस तरीके से मिट्टी काटने का लाइसेंस दिया गया है, ये सवाल खड़ा करता है, ये सवाल खड़ा करता है। और खनन विभाग से भी मैं आग्रह करूंगा कि जो जिस तरीके से आप मिट्टी काटा गया है इस पर अविलंब कार्रवाई करें। कैमरामैन विकास के साथ में मुकेश कुमार, SBN न्यूज़, समस्तीपुर।